इस्लामाबाद के नेशनल पार्क में यहाँ पर 8 से ज़्यादा लेपर्ड हैं जो बिल्कुल इस्लामाबाद शहर के बिल्कुल किनारे पे, ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर है। लेपर्ड के रहने का यहाँ मतलब है कि उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा इकोसिस्टम है और वो खुशी से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, इवन ये भी है कि अगर बंदर काट लेता है तो आप पागलपन का भी शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ये नो स्मोकिंग जोन है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1,00,000 रुपए जुर्माना है सिगरेट पीने के ऊपर। उसके अंदर वेप भी हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें शामिल है। आपको मुझे नहीं लगता कोई और कैपिटल ऐसा मिले जिसकी सड़क की एक तरफ आबादी है, दूसरी तरफ एक नेशनल पार्क है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आया हुआ था यहाँ पर मार्गला नेशनल पार्क में और मुझे देखकर बड़ी खुशी भी हुई है कि यहाँ पर इन्होंने ये कैंप लगाया हुआ है। और आप सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा और बताइएगा भी कि ये किस हवाले से है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे अवेयरनेस मैन कहते हैं, मैं एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ IWMB के साथ। जी, तो हमने मार्गला नेशनल पार्क के हवाले से ये मैसेजेस लगाए हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। ठीक है, इधर आ जाए। हमारा जो सबसे बड़ा मैसेज है, नो मंकी फीडिंग। बंदरों को खाना खिलाना सख्ती से मना है, वजूहात नीचे लिखी हुई है सारी। बंदरों का सड़क पर इकट्ठा होना, ट्रैफिक हादसा में जख्मी हलाक होना, खुराक के लिए सियाओं पर हमला करना। अच्छा, इवन ये भी है कि अगर बंदर काट लेता है तो आप पागलपन का भी शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये देखें, अब ये इसके रोड एक्सीडेंट में ये हालत होगी, अगर ये मर जाए तो बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा। इसलिए हम मना करते हैं बंदरों को ना खुराक दें, हमारे बंदर खराब ना करें। ठीक है, इस तरह अब यहाँ पे शोर करना मना है, चीखना चिल्लाना, हॉर्न बजाना, असला लाना मना है और शिकार करना भी मना है। बिल्कुल ठीक। नेशनल पार्क की हदूद के अंदर शिकार करना इल्लीगल है, बहुत सख्ती से मना है। ठीक है, इस तरह वुड कटिंग, दरख्त काटना मना है, दरख्तों की शाखें तोड़ना मना है, फूल वगैरह तोड़ना मना है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह आग जलाना, ये नो स्मोकिंग जोन है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1,00,000 रुपए जुर्माना है सिगरेट पीने के ऊपर। उसके अंदर वेप भी हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें शामिल है। बिल्कुल। खाना पकाना, बारबेक्यू करना, वो भी मना मार्गला पार्क में, नेशनल पार्क में। गन फेंकना, चश्मों में नहाना, तेज रोशनियां करना और शिकार करना, ये मना। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा मैसेज है लोगों को, ये जो हमारे वॉलंटियर्स है सारे, मैं भी हूँ, बाकी सब लोग हैं, मिलके ये उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इतना कचरा हम यहाँ से इकट्ठा करते हैं, तो ये हमारा मैसेज लोगों को, हमने ये एटीट्यूड चेंज करना है कि हम जहाँ खाते हैं फेंकते हैं, जहाँ पीते हैं फेंकते हैं। तो मेरी आपके जरिए से लोगों से अपील है कि प्लीज़ अपना ये एटीट्यूड चेंज करें। ठीक है, ये नेशनल पार्क है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए है। अगर हमने अभी इसके लिए कुछ ना किया तो क्या बचेगा? अगर दरख्त सारे कट जाएँ, जानवर सारे मर जाएँ, यहाँ पे पहाड़ियाँ बचेंगी, तो उससे कितना असर पड़ेगा? आप इसे गूगल कर लें। आपको मुझे नहीं लगता कोई और कैपिटल ऐसा मिले जिसकी सड़क की एक तरफ आबादी है, दूसरी तरफ एक नेशनल पार्क है जिसमें वाइल्ड लाइफ भी रह रही है। यहाँ पे 8+ लेपर्ड रह रहे हैं। ठीक है, लेपर्ड के रहने का यहाँ मतलब है कि उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा इकोसिस्टम है और वो खुशी से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये हमारे मैसेजेस हैं आप लोगों को फैलाएं, मुझे इसलिए अवेयरनेस कैंपेन कहते हैं। तो ये अवेयरनेस की जो कैंपेन है, हम सुबह से शाम यहाँ पे करते हैं, एज अ वॉलंटियर करते हैं, इसलिए कि हमें प्यार है मार्गला हिल्स नेशनल पार्क से। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि हमें इसको बचाना है इंसानों से। लोग कहते हैं क्यों इंसानों से, इंसान इसमें गंद करता है, स्मोकिंग करता है, लिटरिंग करता है। इंसान की कोशिश है कि दरख्त ख़त्म हो जाए, यहाँ पे सोसाइटियाँ बन जाएँ। ठीक है, तो हमें आने वाली नस्लों के लिए इसको बचाना है। अगर मैंने कोशिश ना की, मेरे जैसे वॉलंटियर्स, मेरे साथ और भी बहुत वॉलंटियर हैं, उन्होंने कोशिश ना की, तो सद्दुक साहब हैं, ये भी हमारे वॉलंटियर हैं, हम सब मिलकर ये काम करते हैं, इसलिए कि हमें इससे प्यार है और हमें इसको बचाना है आने वाली नस्लों के लिए। आप भी एज अ वॉलंटियर इस मैसेज को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। थैंक्स अ लॉट।